नमस्कार प्रदेश समाचार न्यूज चैनल से मैं राधा वासने आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं गांव रामपुर में प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। प्रधान जी अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम रायन सिंह है, मैं गांव रामपुर से हूँ। मेरी ग्राम पंचायत ढोली है। प्रधान जी आपको जनता से क्या समर्थन क्या सपोर्ट मिला? मुझे भरपूर मिला है, टोटल मिला है, ए टू जेड। 531 वोट से जीता हूँ मैं। तो आप जनता के लिए क्या करना चाहते हो? सब कुछ करूँगा जो जनता चाहेगी, सब कुछ करूँगा। मेरे जो भी गांव में बाकी काम है बचा हुआ सारा करूँगा, जितना होगा आगे से भी खींच के लाऊंगा। काम तो सारा ही करना है। प्रधान जी पंचायत भवन में क्या कार्य चल रहा है? देखो उस पर काम तो सारा हो चुका है, बस खाली एक किचन में टाइल्स रह गई है और बाकी सब कंप्लीट है। टोटल 2-1 दिन में काम हो जाएगा पूरा। पंचायत में लाइट वगैरह की व्यवस्था सब पंखा वगैरह सब संपूर्ण है, पूरा कंप्लीट है। लाइट लाइट है, अभी पंखे बाकी हैं, लाइट तो हो चुका है। कितने कमरे हैं उसमें? 2 कमरे हैं, 2 शौचालय हैं। प्रधान जी यहाँ स्कूल कितने तक है? अपने गांव में तो 5 तक है, बाकी जो ढोली पंचायत तो उसमें 8 तक है। तो 5 के बाद में बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? गढ़ोला कॉलेज पास में ही है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लगता है, होना चाहिए इस गांव में भी स्कूल। देखो मैं तो चाह रहा हूँ कि गांव में स्कूल आ जाए तो अच्छा है, तो मैं भी कोशिश में हूँ, आ जाए लाऊंगा। पब्लिक गांव की चाहेगी तो वैसे मैं। सही बात है, जनता की ज़्यादा जनता के ऊपर है। तो प्रधान जी मिड डे मील का खाना बनता है प्राइमरी स्कूल में, आपकी देख रेख में है या नहीं? देखो अभी तो नया कार्यकाल है, बाकी मैं अध्यापकों को बोल के आके आया हूँ कि कोई गलत काम ऐसा ना हो जिससे मुझे कहनी पड़े, और अपने हिसाब से काम लेते रहना क्योंकि बच्चों का भोजन है। और यही मेरा कहना है अपने गांव में कि वहाँ भी सत्य रूप से ये काम हो तो अच्छा है। तो आप जाते नहीं हो देखने? जाता हूँ। तो आज क्या बना था खाने में? चावल थे, आलू की सब्जी। कितने बच्चे हैं प्रधान जी स्कूल में? मैंने सीढ़ी नहीं निकाली अभी तक। कितने हैं? कितने कमरे वगैरह, शौचालय वगैरह की व्यवस्था कैसी है? देखो अभी कार्यकाल चालू है, बन चुके हैं, अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। बाकी एक शौचालय है जो दिव्यांग शौचालय है, वो बन के हो गया पूरा है, उसमें खाली सीट रखनी है। और मेरे अंदाज में 15 दिन के अंदर ये शौचालय पूरा हो जाएगा। और रही स्कूल की बात, उसका भी निर्माण पूर्ण ही है, बस मैंने उसके सबको कागज दे दिए हैं, 2-3 महीने के अंदर तो बन जाएगा पूरा। तो प्रधान जी ये डेंगू मलेरिया की जो बीमारी फैल रही है, आप जनता को क्या राय दे रहे हो? जनता के लिए मैंने बोला है, मैंने अपनी तरफ से जो करवा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।